हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने कल से सी प्रोग्रामिंग की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो कल जब मैंने क्लास पहली दी थी आप लोगों को फ्री में, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। लोग दो तीन कमेंट्स यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में ही आए थे, और कुछ मेरे पास मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पर कि सर जो आप क्लास करा रहे हैं क्या फ्री रहेंगी। तो मेरे भाई, क्लास फ्री है, लेकिन अब क्लास उन लोगों के लिए फ्री है जिन लोगों ने हमारे ई नोट्स खरीदे हैं। तो मेरे भाई, आपको मैं बीच बीच में कुछ क्लासेस फ्री देता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो मैं आप लोगों के कर ही सकता हूँ, ठीक है। सो आपको बता दूं कि जो जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर जी आप थोड़ा तेज बोलते हैं, थोड़ा आराम से बोलने का कोशिश करिए। तो मेरे भाई, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को आराम से समझा सकूँ। सो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार क्या करते हैं, जो हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था उसका एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कल हमने सीखा था जो आपकी सी लैंग्वेज होती है, ये आपकी एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि पोर्टेबल है अप्लीकेशंस और फर्मवेयर को डेवलप करने के लिए। जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका सी लैंग्वेज से ही, यानी कि सी प्रोग्रामिंग से ही डेवलप किया गया था। जो आपका सी लैंग्वेज है, ये आपका बी लैंग्वेज का सक्सेसर है, यानी कि जो आपका बी लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक लैंग्वेज, यानी कि बेसिक कंबाइंड लैंग्वेज। यानी इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था, इसको डेवलप किया था केन थॉम्सन ने। कब किया था, 1970 में। कब किया, कहाँ किया था, तो किया था बेल लेबोरेटरीज में। और जो आपकी सी लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया था बताइए, डेनिस रिचे ने। किसने किया था, डेनिस रिचे ने। कब किया था, 1972 में। कहाँ किया था, बेल लेबोरेटरीज में। ये मैंने आपको बताया ना, तीन चार क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे आ चुके हैं, अगर आप एग्जाम जो आपके ओल्ड पेपर हैं अगर आप उनको उठाकर देखें। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अल्गोरिथम क्या होता है। तो अब जो आपका अल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, किसी भी समस्या, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हमने समझ लिया था, मैंने दो तीन बनाए भी थे अल्गोरिथम कि आपको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सीखा था कि जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं। तो जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो एक होता है प्रोग्राम का एक लॉजिक सीक्वेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफिकल रूप से, यानी कि चित्रात्मक रूप से। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले जो हम इसके इंस्ट्रक्शंस को शो करते हैं चित्र के माध्यम से, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। हम लोगों ने कल एक फ्लो चार्ट भी बनाया था, तो आज हम क्या करेंगे, दो फ्लो चार्ट और बनाएंगे ताकि आपको फ्लो चार्ट बनाना सही से आ जाए, फिर उसके आगे हम लोग उसके कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो चार्ट होता है उसमें कुछ शेप्स होती हैं, जैसे कि आपकी ये हो गई, ये आपकी होती है जो आपकी शेप देख पा रहे हैं पहली शेप, ये अंडाकार वाली, ये आपकी होती है बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एंड करने के लिए और स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अगर आप किसी प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर रहे हैं या आप एंडिंग करना चाहते हैं तो आप इस शेप का यूज करेंगे। अगर आप किसी माध्यम से इनपुट या आउटपुट को शो करना चाहते हैं तो आप इस शेप का यूज करेंगे। और अगर आपको कोई लेना है डिसीजन तो आप इस शेप का यूज करेंगे। और अगर आपको कोई करनी है कैलकुलेशन तो आप क्या करेंगे, आप इस वाली शेप का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, आपको अपने जो डायग्राम्स हैं, जो आपने शेप्स ली हुई है, अगर आपको उसका अपने प्रोग्राम का दिखाना है फ्लो, तो आप इस एरो आकृति का यूज करते हैं। अगर आपको एक पेज में आपका प्रोग्राम नहीं आ पा रहा है, फ्लो चार्ट आपका एक प्रोग्राम में नहीं आ पा रहा है, अगर आपका जो फ्लो चार्ट है वो दूसरे पेज में आ रहा है, तो आप एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए आप इस शेप का भी यूज करते हैं, मैंने आपको अगर बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम एक फ्लो चार्ट किसका, कि हमें चेक करना है कि जो आपका नंबर है वो ऑड है या इवन। अगर आपको बनाना है इसके लिए फ्लो चार्ट, तो आप कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो पहला काम ये रहेगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऑड नंबर और इवन नंबर होते क्या हैं। तो मेरे भाई, जिनको नहीं मालूम है, तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि अगर आपने कोई नंबर आपके पास है, अगर आपने दो से डिवाइड किया, अगर आपका रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ, जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो आपका ऑड नंबर होगा। अगर जीरो आता है तो क्या होगा, वो आपका इवन नंबर होता है। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया, ये आपके क्या हैं, ये आपके इवन नंबर हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 10, 9, 11, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बनाएंगे फ्लो चार्ट या लिखेंगे एल्गोरिथम, तो स्टार्टिंग किससे होगी, स्टार्टिंग होगी स्टार्ट से, और स्टार्ट करने के लिए हम लोग इस शेप का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैंने बनाया शेप छोटी सी, और मैंने यहाँ लिख दिया भैया स्टार्ट, या मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट लिखने के बाद क्या है, मुझे वो नंबर भी तो बताओ जिसको मुझे चेक करना है कि ऑड है या इवन। तो दूसरा काम ये रहेगा कि मुझे इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से कि आप एक नंबर दीजिए। तो मैंने बनाया इनपुट के लिए इस बॉक्स को बनाया, मैंने आपको बताया था कि इनपुट के लिए हम लोग इस बॉक्स का यूज करते हैं। चूंकि मैंने पहले मैंने किया स्टार्ट, उसके बाद आएगा रीड एन, तो मैंने यहाँ से इसको दिखा दिया एरो के माध्यम से कि पहले स्टार्ट होगा फिर उसके बाद आपका आएगा इनपुट वाला, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने मैंने कहा कि भैया आप यहाँ पर एक मान लीजिए नंबर के नाम से, तो मैंने कहा यहाँ पर रीड नम, या आप मान लीजिए एन, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो नंबर है वो उसका नाम है एन, ठीक है, मान लिया मैंने। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा डिसीजन,
यहाँ पे आ गई है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि जो नंबर हमको मिला है यूजर से वो इवन हो, और ये भी हो सकता है कि वो ऑड हो। तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर मुझे डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर डिसीजन बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो आपका डिसीजन बॉक्स होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो मैं यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ बनाया डिसीजन बॉक्स ये कुछ इस टाइप से, और मैंने कहा कि इसके बाद आपको यहाँ पर आना है। ठीक, हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर लगानी है कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, अगर जो नंबर हमको यहाँ से मिला है, जो हमारा एन है, अगर मैंने एन में भाग कराया 2 से और रिमाइंडर आ गया 0, ध्यान दीजिए जो ये आपका सेव मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा इस बॉक्स के अंदर लिखा बना लिखा गया है। क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है बॉक्स के अंदर एन मॉड 2 इक्वल 0। भैया ध्यान दीजिए, जो आपका ये ऑपरेटर होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये 2 नंबर्स के बीच में डिवाइड करता है और आपको बताता है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने नम में भाग कराया 2 का, जो भी रिमाइंडर आएगा अगर वो 0 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, रिमाइंडर के लिए करते हैं। किसके लिए, रिमाइंडर यानी कि शेषफल के लिए, ठीक है। ये हमें क्या करता है, ये हमें शेषफल आके देता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। फिर तो जो मैंने यहाँ लिखा ना इस बॉक्स के अंदर, वो ने ये लिखा था एन मॉड 2 इक्वल 0, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से रफ़ कर देता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ समझा सकूँ, ठीक है। तो मैंने लगा दी कंडीशन कि एन अगर डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी कि एन मॉड 2 इक्वल 0 आ रहा है। अगर ये कंडीशन सही होती है, अगर ये कंडीशन सही होती है तो आपको नीचे आना है। कहाँ आना है, नीचे वाले आपको जो स्टेटमेंट दिया गया आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। क्या होना है, अगर 2 से भाग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है नंबर क्या होगा, इवन होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आएगा नीचे वाले बॉक्स में, और आप वहाँ से प्रिंट कर दीजिए। क्या आपको प्रिंट करना है जो आपने नंबर दिया है, यानी कि आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो कि एन एन इज़ इवन। क्या है, एन इज़ इवन, एन इज़ इवन, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एरो नीचे आपका यहाँ पे आएगा ये बॉक्स, ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्पेस नीचे नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद हो सकता है अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप क्या करें, अगर जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ बनाता हूँ एक बॉक्स कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये आपका बॉक्स हो गया, तब आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, तब आपको प्रिंट करना है कि जो आपने नंबर दिया है वो ऑड है। क्या है, वो नंबर ऑड है, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद अब देखिए क्या होगा कि या तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा या फिर ये वाला प्रिंट होगा। तो अब देखिए, अगर ये वाला प्रिंट होगा तो भी स्टॉप हो जाएगा, अगर ये प्रिंट होगा तो भी स्टॉप, मुझे करना है प्रोग्राम को। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा रफ़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने बनाया था कुछ, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर नंबर रीड किया था, नंबर रीड करने के बाद मैंने यहाँ से लिया था डिसीजन। डिसीजन लेने के बाद मैंने कहा था अगर फॉल्स होगा तो आपको ये वाला बॉक्स करना है एग्जीक्यूट, अगर ट्रू होगा तो आपको ये वाला बॉक्स एग्जीक्यूट करना है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके नीचे एरो बना के, इसके नीचे एरो बना के, इसके नीचे एरो बना के मैंने यहाँ लिख दिया स्टॉप। क्या लिख दिया मैंने, स्टॉप। स्टॉप अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए, अगर ये कंडीशन स्टॉप ट्रू हो जाती है तो आप क्या करें, आप यहाँ से ये आपका आएगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है, मैंने इसका जो बनाया है वो आपका यहाँ पे है। तो ये आपका आएगा इस कुछ इस टाइप से। तो ये आपका बनेगा फाइनल वाला डायग्राम, वो कुछ इस टाइप से होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका हो जाएगा स्टार्ट, ये आपका हो जाएगा इनपुट वाला, ये सर ठीक है, ये आपका हो जाएगा इनपुट वाला, ये आपका हो गया डिसीजन मेकिंग, फिर आपका ये हो गया ट्रू कंडीशन, ठीक है। ये आपकी अगर ट्रू कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा स्टेटमेंट, अगर ये होगा फॉल्स तो चलेगा ये वाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम कर देंगे इसको स्टॉप, ये आपका यहाँ से आ जाएगा, और फिर आपका ये वाला बॉक्स ये फॉल्स वाला है ये आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आप स्टॉप कर देंगे। तो जो हमारा बनाया फ्लो चार्ट वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब एक लेते हैं फ्लो चार्ट एक और, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भैया आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI आपको कैलकुलेट करना है, आपको उसका बनाना है फ्लो चार्ट, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप क्या, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से काम करना है। पहला काम क्या रहेगा, पहला काम रहेगा स्टार्ट, मैंने यहाँ से कर दिया स्टार्ट, ठीक। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए वो 3 नंबर्स, कौन कौन से, प्रिंसिपल चाहिए, और आपका चाहिए रेट, और चाहिए आपका टाइम। तो मुझे यहाँ पर 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ कह दिया कि भैया आप 3 नंबर्स दीजिए, तो मैंने यहाँ कर दिया कौन कौन से, रीड करो, क्या रीड करो, आपका हो गया प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, और टाइम हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इतना करने के बाद मुझे करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले बॉक्स का यूज करूँगा, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो मैंने बना दिया एक बॉक्स रेक्टेंगल का, और मैंने यहाँ लिख दिया SI, लगा दिया हमने फार्मूला यहाँ पर SI इक्वल
पी प्लस आर सॉरी पी इंटू आर इंटू टी और ब्रैकेट के डिवाइड बाई 100। ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है किसका, ये फार्मूला होता है SI का। ध्यान दीजिए ये पूरा पूरा बॉक्स इतना बड़ा है, इसके अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए जो यहाँ से कैलकुलेशन होगी वो इतना सॉल्व करने के बाद जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो SI में स्टोर हो जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद मुझे उसको शो भी करना है, तो क्या करूँगा मैं, मैंने यहाँ से बनाया एक एरो और मैंने इस एरो नीचे लिख दिया कुछ इस टाइप से कि भाई जो आपका रिजल्ट आया है वो कुछ इस टाइप से यहाँ से मैंने लिख दिया आउटपुट, या लिख दिया मैंने यहाँ पर राइट, या लिख दिया प्रिंट, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी भाषा में जो आपको समझ में आ जाए। आप यहाँ पर राइट कर दीजिए SI को, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इतना करने के बाद आप यहाँ से इसको कर दीजिए क्या क्लोज, यानी कि स्टॉप कर दीजिए यहाँ से। तो ये आपका फ्लो चार्ट किसका हो गया, ये आपका फ्लो चार्ट हो गया आउटपुट का, सॉरी SI का, सिंपल। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, उनकी शेप्स के बारे में, कि इस शेप से क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फ्लो चार्ट बनाना बंद करते हैं, अब क्या करते हैं एक लेते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है, वो आपका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होती है, देखिए जो आपकी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप अपनी बात को, आप अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर से करवा सकें, ठीक है। तो इसके लिए यूज क्या की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपकी होती हैं दो, कौन कौन सी, एक आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए एक आपकी होती है मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि मशीनी लैंग्वेज यानी कि ऐसी भाषा जो कोई कंप्यूटर या कोई मशीन समझ सके उसको बोलते हैं मशीनी भाषा, और मशीनी भाषा को ही हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। आप जानते हैं कि जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है इसमें सिर्फ दो टर्म्स यूज होते हैं, कौन कौन से, एक आपका होता है जीरो, एक आपका होता है वन। यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है, कोई मशीन होती है, वो सिर्फ जीरो और वन को ही समझती है। आपने बोला कि आप पाँच और दो जोड़ो, तो वो ये नहीं समझता कि आपने पाँच कहा है और दो कहा है और प्लस कहा है, उसको सिर्फ जीरो और वन मालूम है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं जानती है। जीरो का सेंस ऑफ, वन का सेंस ऑन, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इंटर में। तो जो आपका मशीन होती है वो आपका सिर्फ जीरो और वन समझता है, आप बोलें चाहे प्लस, चाहे बोलें ए बी सी डी, चाहे बोलें डिवाइड, ये कुछ भी नहीं समझता है, ठीक है। और ये इन्हीं को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगला आपका आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सेंस मतलब ये होता है कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है ये आपकी सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज इसको कहते हैं, और इसे हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है ये मशीनी लैंग्वेज से थोड़ा अधिक प्रभावशाली होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जब बनाते हैं कोई प्रोग्राम तो उसमें एक अलग टाइप का एक कोड होता है जो हम कोड लिखते हैं, जो हम पढ़ सकते हैं, जो एक ह्यूमन पढ़ सकता है, और फिर उस असेंबली कोड को असेंबलर की सहायता से मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है, ठीक है। जो आपकी सी लैंग्वेज है, जो आपकी सी प्लस प्लस है, ये आपकी क्या है, ये आपकी दोनों ही यानी कि और सारी लैंग्वेजेस हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप जो आगे प्रोग्राम बनाएंगे वो आपके क्या होंगे, वो सब आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है हाई लेवल लैंग्वेज। समझ लीजिए आप कि देखिए जो कमियां लो लेवल लैंग्वेज में रह गई थी उनको दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण हुआ, और जो आजकल की लैंग्वेजेस हैं उसमें हम लोग इसी ये लैंग्वेज का यूज़ करते हैं HLL, हाई लेवल लैंग्वेज का। क्योंकि ये आमतौर पर क्या होती हैं, ये आमतौर पर जनभाषा होती हैं, यानी कि इनको जो आदमी होता है, जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, इनको आराम से समझ सकता है, और ट्रांसलेटर के द्वारा मशीनी भाषा में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गलतियाँ होने की संभावनाएँ कम रहती हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद आपका आता है कंपाइलर। भैया आप एक बार ध्यान कर लीजिए कि जब भी आप बनाएंगे प्रोग्राम तो वह क्या करता है, जो आपका सी होता है इसको करना पड़ता है कंपाइल। क्या करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है कंपाइल। कंपाइल इन द सेंस यानी कि जो आपने लिखा है सोर्स कोड उसको चेंज करता है ये ऑब्जेक्ट कोड में, और उसको जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो समझता है प्रोसेसर। तो भैया इसका मतलब क्या है, ये काम क्या करता है बेसिकली, देखिए जो आपका कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, और आपका हो गया इंटरप्रेटर। क्या हो गया, इंटरप्रेटर। ये आपके क्या है, ये आपके तीनों के तीनों क्या है, ट्रांसलेटर। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो हम लोग भाषा जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज उसको चेंज करे किसमें, मशीनी भाषा में, ताकि मशीन समझ सके। तो ये काम करता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर। जो आपका असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को चेंज करता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। और जब का होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके दोनों के दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करते हैं किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। देखिए फ़र्क क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, देखिए काम तरीका इनका अलग अलग है, काम एक ही है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है मशीनी लैंग्वेज में,
और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है मशीनी लैंग्वेज में। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है इसके काम करने के तरीके में कि जो आपका कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है और बाद में इकट्ठे आपको दिखाता है एरर कि भैया आपने 5वीं लाइन में ये गलती कर दी है, 8वीं में ये गलती कर दी है, 15वीं लाइन में आपने ये गलती की है। तो वो क्या करता है, वो इकट्ठे आपको गलती दिखा देता है कि भैया हमने इसको एग्जीक्यूट कराया है और आपकी इस लाइन में ये गलती, इस लाइन में ये गलती निकली है। लेकिन रुकिए, जो आपका होता है इंटरप्रेटर, वो क्या करता है, वो लाइन बाई लाइन एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। और साथ ही मान लीजिए उसको, उसने एग्जीक्यूट किया पहली लाइन, अगर उसको पहली लाइन में गलती मिल जाती है तो वो वहीं से रुक जाएगा, आपको बताएगा भैया आपने पहली लाइन में गलती कर दी है, पहले आप इसको सही करिए। जब आप उसको सही करेंगे तब वो अगली लाइन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो मेन डिफरेंस ये है कि जो आपका कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, और जबकि जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया है इतना। तो क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे, लिंकर लोडर को समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चूँकि क्या होता है बड़ी क्लास लेने में गला सूखने लगता है, तो आवाज़ थोड़ा स्टार्टिंग में तो सही आती है लेकिन बाद में थोड़ा सही आवाज़ नहीं आती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।